सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक अगेन फॉर अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक्चुअल में एक बहुत ज़्यादा इमोशनल, और आपको थोड़ा सा इस तरीके की बात भी करूँगा और थोड़ा सा उसके साइड इफेक्ट भी बताऊँगा, जो है फेयरनेस क्रीम्स। क्या काला सच है उनमें, क्या कोई काला सच है भी कि नहीं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो पहली दिक्कत है मेरे हिसाब से फेयरनेस क्रीम्स को यूज़ करने के मामले में, वो है इचिंग। आप अगर उसको ज़्यादा बेसिस पे यूज़ करो, मतलब डेली बेसिस पे, तो आपको इचिंग हो सकती है फेस की, मतलब कुछ भी एलर्जीज हो सकती है। वो एलर्जी किसी भी तरीके से बाहर निकल सकती है, पिंपल्स की तरीके से, किसी भी तरीके से। जो तीसरी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, जो है स्किन कैंसर। वो बहुत कम होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा मतलब नहीं देखा जाता है, इतना ज़्यादा मतलब बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर केसेस में होते हैं। चौथी चीज़ जो है पिंपल्स, वो हो सकते हैं क्योंकि है ना, वो एक्चुअल में ना आपकी स्किन को फ्रैजाइल बना रही है दूसरी चीज़ों, दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। जो मेरी पांचवी चीज़ है वो है ड्राई स्किन, क्योंकि वो जो आपका नेचुरल स्किन टेक्सचर है, जो आपको अपने बेबी मतलब छोटे से बड़े होने तक मिला है, जो भी जो कुछ भी है ऑयली है, तो आपके स्किन को ड्राई करती जाएगी वो। पहले आपका स्किन नॉर्मल आएगा, फिर ड्राई हो जाएगा, और अगर आपका ड्राई है तो आपके ड्राई को और ज़्यादा वर्स्ट कर देगी और फ्लेकिंग कर देगी, यहाँ तक कि अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो। और जो मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो है फोटो सेंसिटिव स्किन। फोटो सेंसिटिव स्किन का क्या मतलब होता है? फोटो सेंसिटिव स्किन, ठीक है, फोटो सेंसिटिव स्किन का मतलब ये होता है कि आपकी स्किन को धूप की तरफ, मतलब सनलाइट की तरफ फ्रैजाइल बना देगी। फ्रैजाइल मतलब आपकी स्किन को पतला कर दी जाएगी, जो लेयर्स है ना स्किन की उनको पतला कर दी जाएगी। तो आपको सनबर्न्स, एलर्जीज और सन टैन बहुत इजीली कॉज हो जाएगा। मतलब आपको है ना, मतलब आपकी स्किन है ना, जो उनका बैरियर था ना स्किन का, जो इससे वो सनलाइट से मतलब खराब यूवी रेस से लड़ सकती थी, उस स्किन बैरियर को तबाह करके रख देगी अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप उसको वन वीक में एक बार, या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तब आप यूज़ कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स परफेक्टली नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप यूज़ करते भी हैं तो आप बंद कर दें, बिल्कुल बंद मत कीजिए। अगर चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो। अब मैं इसमें इमोशनल पार्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। कुछ जो कंपनीज यहाँ पे इंडिया में ही टारगेट कर रही है, ऐसी क्रीम बाहर नहीं बनती है, क्योंकि इंडिया में आज तक ब्लैक और वाइट का ये डिस्क्रिमिनेशन चल ही रहा है। मतलब जो बंदा काला है उसको हीरोइन एज अ हीरो नहीं लेते, एज अ हीरोइन नहीं लेते बॉलीवुड पिक्चर्स में। लेकिन अगर आप हॉलीवुड में जाकर देखें तो आप ड्वेन द रॉक जॉनसन को जानते हैं, जो दी रॉक के नाम से जानते हैं, WWE के है ना रेसलर है, जो बेस्ट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं, उनमें आते हैं। उनके इंस्टाग्राम पे 150 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, लेकिन उधर कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसलिए वहाँ पर ऐसी कंपनीज टिकती ही नहीं है। वहाँ पर स्किन केयर कंपनीज हैं, जहाँ की स्किन वाइटनिंग कंपनीज है। यहाँ पर ही ये क्यों है? क्योंकि इंडिया में अभी तक स्किन डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो मेरे ख्याल से इंडिया में मुझे जैसा लगता है ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए, और बॉलीवुड में भी हर स्किन टोन के एक्टर्स को लेना चाहिए। तो मैंने अपनी ओपिनियन बता दी, आप बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ये चीज़ सही है या नहीं है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपका है ना थोड़ा सा गोरा रंग आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि आपको कभी कभार यूज़ करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतनी नॉलेज बहुत है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।